हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फीचर्स के मामले में मैग्नाइट सभी कार से एक स्टेप आगे ही रहती है, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली चुपचाप कुछ फीचर्स को हटा दिया है। क्या हटाया है, क्या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निसान ने उनकी जो एकमात्र गाड़ी है जो कि ढंग से बिक रही है, उनमें से कुछ फीचर्स की कटौती करी है, फीचर्स को हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सब चीजें कम कर दी, लेकिन जो जो चीजें कम करी है वो सब आप सुनते जाइएगा। अगर आपको फ्यूचर में इस गाड़ी को लेना है तो आपको वो फीचर्स उस टाइम पर नहीं मिलेंगे। कौन कौन से फीचर्स निसान ने कम करे हैं मैग्नाइट में से, या फिर कम करने वाली है, तो सबसे पहली चीज की हम बात कर लेते हैं। तो वो चीज है, जैसा कि आप जानते हो कि XV प्रीमियम और XV में आपको DRLs देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो कार्स आने वाली है ना, उनमें जो है आपको DRLs देखने को नहीं मिलेंगे XV में। अब सिर्फ XV प्रीमियम में, जो टॉप मॉडल है, आपको सिर्फ उसी में DRLs देखने को मिलेंगे। जो सेकंड टॉप मॉडल है उसमें आपको DRLs देखने को नहीं मिलेंगे। इसका क्या रीजन है वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। दूसरी चीज की जो बात करूं, दूसरी चीज जो कम करी है, जो टॉप मॉडल में आपको बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि काफी अच्छा थ्रो देते हैं, वो भी अब आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट में नहीं मिलेगा। वो आपको ऑप्ट कर एक्स्ट्रा पैसे देकर उसको फिट कराना पड़ेगा। मतलब आपको टॉप मॉडल में भी कंपनी अब बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं देगी, जिनका थ्रो बहुत शानदार है। ये जो लाइट होती है ना हेलोजन वाली, इनका थ्रो बिल्कुल अच्छा नहीं है मैग्नाइट में, तो आपको ये चीज भी अब ज्यादा पैसे देकर फिट करानी पड़ सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि निसान का जो बेस मॉडल है, सिर्फ उसी में आपको CVT ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, इसमें आपको टर्बो का ऑप्शन भी नहीं मिलता है जो बेस मॉडल है। लेकिन जिससे आप XL पर जाते हो, वहां से आपको टर्बो का ऑप्शन मिल जाता है, और तो और CVT ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन अब जो है कंपनी इस वेरियंट को मैन्युफैक्चर करना बंद कर देगी। अब से क्या होने वाला है ना कि जो XL वेरियंट है उसमें ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। अब ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सिर्फ आपको XV और XV प्रीमियम में ही देखने को मिलेगा, वो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। पर अब XL में आपको ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा। टर्बो वाला मिलेगा अभी भी, पर ऑटोमेटिक वाला अब आपको एक वेरिएंट ऊपर जंप करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो एक तरीके से अपडेट मान लो, जो XV प्रीमियम है और XV मॉडल है उसमें आपको अब शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं मैं, हमारी गाड़ी में तो बेस मॉडल है फिर भी शार्क फिन एंटीना है। तो निसान हमसे इंस्पायर हो ही गया, अच्छी बात है। चलो, शार्क फिन एंटीना से जो है एक लुक अच्छा आता है। वो जो एंटीना आता है ना नॉर्मल, अब मतलब टॉप मॉडल्स में तो सब कंपनी शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड करती है, लेकिन ये मैग्नाइट ये जो बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक वो नॉर्मल वाला एंटीना प्रोवाइड करती है, वो उसमें दिक्कत ये है कि कभी कवर ओवर लगाते हैं ना, तो वो कभी हटाना पड़ता है, बार बार खोलना पड़ता है। तो इसलिए अब शार्क फिन एंटीना भी आपको मिल जाएगा XV और XV प्रीमियम में, बट हमने तो XE में भी लगा रखा है, तो आप भी लगा सकते हो यार, बाहर आराम से मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं यार, छोटी सी वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, इसलिए इस वीडियो को बनाई। तो आप भी आपके दोस्त जो कि लेना चाहते हैं इस गाड़ी को, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, पीस।